जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जय जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभुंकर परम पावन क्षेत्र, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, महाप्रभुंकर ये क्षेत्र रे आद्य अर्चित विग्रह, ये धामर नाम नीलाचल धाम, प्रभुंकर नाम नीलगिरिनाथ, महाप्रभु नीलकंदर वासी, प्रभुंकर नाम नीलाद्रि बिहारी, नीलाद्रि केसरी नीलमणि, महाप्रभुंकर चक्र मध्य नीलचक्र। सुंदर भाव रे प्रासाद, ये अपूर्व प्रासाद प्रभुंकर, बड़ देउल महाप्रभुंकर। ये बड़ देउल रे जो बाना उड़ुची पतित पावन नेत, आपण माने दर्शन करिवे पतका लागि रे दर्शन, पतका नूतन पतका लागि हेब। सुंदर भाव रे चुनरा सेवक गरुड़ सेवक माने मंदिर रो शीर्ष देश रे ओला बेढ़ा जोठी महावीर रही, महावीर से शीर्ष देश से दंडायमान होती, पतका गंठली गंठली पतकार भार को बहन करी से ऊपर को उठुंट, से शिकुला को धरी लौह निर्मित शिकुला रही हस्तर धरी से ऊपर को उठुंट। एवं आध्यात्मिक मार्ग रे निश्चित भाव ऊपर को उठवा ऊर्ध्वगामी होगा, ये हूँ मनुष्य जीवन लक्ष्य। पतका रक्तवर्णर पतका, पीत रंगर पतका, धला रंगर पतका, अनेक पतका रही से शीर्ष नील चक्रराज उपरे जो पतकाटी फरफर ही उड़ुंट, से पतका कौन वार्ता दौंट ये जगत को निश्चित भाव आम श्रवण करवा, पतका लागे दर्शन करवा। जय जगन्नाथ टीवी रे अगणित तो जगन्नाथ प्रेमी महाप्रभुंकर भक्त माने जो माने घरे बसी प्रभुंकर ये दिव्य क्षेत्र रु श्रीमंदिर पतका लागि दर्शन करुछंती, समस्तंकु ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश रु विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुची। संपूर्ण रूप से पतका लागि दर्शन करिवा सौभाग्यर कथा, एवं पतका लागि होउथुब, पतका परिवर्तन होउथुब, मंदिर उपरे ध्वजा बंधा जाउथुबो, ये दृश्य को जे दर्शन करंती समानंको जीवन रे आपण देखिबे एक नूतनत्व आसी थाए, परिवर्तन आसी थाए। काहे कि ना महाप्रभुंकर ये जो पतका लागिछि ये होउछि काली गत काली लागि करा जाइथला ये पतका, किंतु संध्या समय रे ये वर्तमान आजिर पतका प्रभुंकर चक्र रे लागि करा जीवो। काहे कि ना या हूँ महाप्रभुंकर मंदिर विधि, जगन्नाथ मंदिर विधि, जे पतका ये गोटे दिन अधिक रही पारना, एभली विश्व ब्रह्मांड में कौन सी मंदिर ना जो दैनंदिन ध्वजा परिवर्तन करा जाए, एकमात्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये भली क्षेत्र जे एटी दैनंदिन ध्वजा जदि परिवर्तन न हो ते असुविधा हो, विषम परिस्थिति उत्पन्न हो, तेणु ध्वजा होची एपरी एक कथा। एपटे मध्य भक्त तार भावर भाव को समर्पण करुछंति प्रभु को, समस्त मुखरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ध्वनि, ये जीवन सर्वस्व होती जगन्नाथ, से कर्णर कर्ण, से मनर मन, वाक्यर वाक्य, प्राणर प्राण, चक्षुर चक्षु, तेणु सी जीवन जीवन होती जगन्नाथ। से प्रभु पाखरे निश्चित भाव अनेक भक्त समाज उपस्थित अछंती, ये ध्वजा बंधा दर्शन करिवे। एपटे मध्य चुनरा सेवक माने गत काली जो ध्वजा गुड़िक बंधा जाइछि ताकु प्रथमे ओलागी करुछंती, प्रथमे से ध्वजा को खोलुछंती, भक्तिर सूत्र रे भावर सूत्र रे से ध्वजा को नहीं बांधि थांती मंदिर उपर। रज्जु रही थाए, रज्जु तो निश्चित भाव बंधा जोतरे बंधा जाई थाए ताकु रज्जु कह जाई थाए, किंतु भक्ति युक्त हो गले ताहा भक्ति रज्जु हो जाए, भक्ति सूत्र हो जाए, एवं भक्ति सूत्र रे जहाँ आपण बांधिबे ता सळखिकरी रहिबो। एवं भक्ति सूत्र एपरी एक सूत्र जो सूत्र रे भक्त भगवान को बांधि पारे, जुगे जुगे सी बंधा होइछन्, द्वापर रे त्रतयारे
कलीजुगर मध्य रुंधा होती रुंधा न हेले महाप्रभु कुआडे जानते ना विमान गले रुंधा हे रथ उपर गले रुंधा हे ये भक्ति सूत्र रे नेत बा ध्वजा को मध्य शीर्ष देश में बांधि चुनरा सेवक ताकू खोलुं पुनः आज जो ध्वजा रही सुंदर भाव देखु पिठी उपर भार रही गंठिला गंठिला ध्वजा रही से भार को बहन करी मध्य सीतांकर कार्य करी पारुछन से शैली से कौशल से कला तांकु जना भल भावरे एते उच्चतार एते फुटर देउळ उपर चढ़ी ध्वजा को बांधिवा सहज कथा नुह पुणी बिना सीढ़ीर साहाज्य रे ये केवल प्रभुंक महिमा नुह त आउ कौन जगन्नाथ होउछन्ति सर्वस्व तेणु महाप्रभु चाहिले सबु असंभव संभव हो पार मु कम करोति वाचाळं पंगुं लंघयते गिरी प्रभुंकर जदि इच्छा हबो प्रभु प्रभु जदि चाहिबे मुकटिए मध्य पंडित परि वाचाळ प्रवचन करिवो पंगुं लंघयते गिरी पंगुटिए से मध्य गिरी पर्वत को लंघन करिवो भावर सहित चातक पक्षी परि चाहि रहिछन्ति भक्त देखुछन्ति से पताका लागिर अपूर्व दृश्य हाथ जोड़ा होइछि करपत्र जोड़ा ही निवेदन करुछन्ति प्रभु को तंकर भाव एवं प्रभु चाहिले पंगुटिए चढ़ी जाई थाए पर्वत लंघन कर जाई थाए यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं प्रभुंकर कृपा हेले कौन बा असाध्य हबो सुंदर भाव रे पतका उलागी करी गंठिला गंठिला पतका रहिछि अंटारे बांधिछन्ति से तंकर शैली रे तंक कौशल रे से तंकु से कौशल जणा भल भाव रे एवं से किपरि बांधुछन्ति किपरि एते उच्च देउळ को उठुछन्ति एक आश्चर्यर विषय कौनसी बिना साहाज्य रे ना सीढ़ी अच्छी ना किछि अच्छी केवल मंदिर छोट शिशुटीए देखिए आप सुंदर भाव रे सी मध्य कांध उपरे बसीचि एवं हाथ को जोड़िकी प्रभु को चिंतन करुचि सी जगन्नाथ होउछन्ति आमर प्राण से ही आमर आत्मा अग्निस्वरूप आत्मा एवं से आत्मांकर सेवा ही होची पूजा से निम्ते भक्त माने तंकर भाव को व्यक्त करुछंती दर्शन करुछंती चरम चक्षुरे पतका लागिर दृश्य एपटे मध्य सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर ये जो बड़ देउळ ये बड़ देउळर अंला बेढ़ा आपण को दृश्यमान होची प्रभुंकर एठी आपण जहा देखिबे ताहा होची आश्चर्य ये परम आश्चर्य दृश्य ध्वजा बंधा दृश्य ये संसार रे ध्वजा बा पतका जे कि ध्वजा होची एभली एक कथा आरती करुछंती हनुमान महाराज कुमुद हनुमान जो रही इपटे भक्त मान दर्शन करुछंती चंदन ते तुमी पूजा पूजा फुले तुमी आरती ते तुमी मुरती ते तुमी भगवान दिए भग भगवान पूजा चंदन देव कोन स्थान ये प्रभुंकर भाव महाप्रभु विराजमान करिछन्ति बड़ देउळ भितरे रत्न सिंहासन रे ब्राह्मण सेवक सेवा करिवे किंतु प्रभुंकर एठी विचित्र लीला गिरी उपरे चढ़ी शीर्ष को जाई चुनरा सेवक गरुड़ सेवक महाप्रभुंकर ये ध्वजा को बांधि थांती पतका लागि करि थांती आहा अपूर्व दृश्य ये चक्रराजंकर दर्शन आपण माने करुछंती पतित पावन नेतो ये जो पतका लागि होइथला गत काली सी पतका वर्तमान ओलागि होउछंती आउ ये महाप्रभुंकर ये जो पतका ये पतका उड़ीवार रहस्य कौन उन्नत राज प्रसादे पतका उड़ई ए प्रदेश समवर्ती पण नाही नाही ये प्रदेश रे समवर्ती कोण नाही महाप्रभुंकर ये परि दुर्लभ क्षेत्र समवर्ती होचंती जम एठी जमंकर अधिकार नाही कारण महाप्रभुंकर ये बाना जासुपति तपा बन बड़बाना ये पतित पावन बड़ बानाटी उड़ार कारण कौन ये जगत को
बार्ता दौंट जे मुझे सर्वकारण कारण एवं महाप्रभु आज्ञा बिना ये कि हुए ना तेणु प्रभुंर मध्य आज्ञा जे ये क्षेत्र में जमंकर आविर्भाव ना तेणु ये प्रभु पतितंकर ये होंगे ठाकुर पतित पावन नाम ये दरिद्रंकर धन तुअु दरिद्रंक धन तो तत्व बुझे ज्ञानी जन सुंदर भाव पतका लागी करिवे वर्तमान ये जो पतका मान सब लगी से पतका समूह को खोली भल भाव चौती ताकू गंठिला कर रखिले सी हूँ प्रसादी पतका ताकू जो भक्त मान भर वितरण कर भक्त मान प्रदान करे से जो नूतन पतका मान धरी भावर दंड बड़ दंडर दंडायमान प्रभु को भाव अर्पण कर हे महाप्रभु सती जुवती कर मने निजर स्वामी थामती जेने से ही प्रकार मोर मन गोविंद तुठारे रहू भगवान गोविंद प्रभु महाप्रभु को भक्त यह निवेदन करुच्ची प्रभु मु आपणकर पतका लागी दर्शन करुच्ची सब बेले एमती आपणकर दर्शन करू थाय एहिपर आपणकर लीला को देखु थाय सती युवती मनरे जेपरी तांकर स्वामी छड़ा आउ केही न थामती सेहिपर आपण मोर मन भितर रुहंतु महाप्रभु आपणकर पतका लागी दर्शन मो जीवन रो ये परिवर्तन पतका लागी दर्शन करिबा द्वारा महाप्रभुंकर बड़देवल निश्चित भाव आपणकर मन शांत रहिबा सहित आपणकर जदि भाव निर्मल भाव आपण प्रभु को दर्शन करुछंती निश्चित भाव मन उपर मध्य प्रभाव पड़े जीवन उपर प्रभाव पड़े जीवन परिवर्तन हो जाए जीवन बदली जाए ये पतका लागी दर्शन करिबा द्वारा जीवन रे अनेक बाधा विघ्न आसे कारण मनुष्य जीवन किंतु यही नील चक्र को दर्शन आपण जदि करिदेवे ये नील चक्र आमको अभयत्व प्रदान करिथामती उन्नत राजप्रसाद पतका उड़ई से नील चक्र पुणी उड़ुचंती पतित पावन नेत बानार नाम पतित पावन बाना जासु पतित पावन बड़ बाना सुंदर भाव रामानंदी चिता देउलर शीर्ष एवं शीर्षटी होची प्रधान ये सुंदर शीर्ष को आपण दर्शन करुछंती बड़ देउलर शीर्ष सेवक मान तांकर सेवा करिबा पई प्रस्तुति पर्याय कारण उपर गोटे बाना बांधे आउ जो बाना गुड़िक भक्त मैंने प्रदान कर सूर्य नारायण अस्ताचल दृश्य भगवान सूर्य नारायण अस्त मान स्वयं विष्णु गैरिक रंग विरंजी नारायण शंकरात्मने नमः ये सूर्य हूं सकल शक्तिर आधार ये उदय हम पुणी अस्त हम सूर्य न आसिले किसी हेब ना नीलचक्र को देखिए एपटे सूर्य नारायण को दर्शन करेंगे अहो भाग्य ये जय जगन्नाथ टीवी संभव एपटे सूर्य नारायण को दर्शन करेंगे एपटे चक्रराज को दर्शन करेंगे आकाशे दुईट सूर्य आपण को दर्शन होण ये चक्रराज स्वयं सूर्य सुदर्शन होती स्वयं कोटि सूर्य सुदर्शन महाबाह कोटि सूर्य समप्रभ कोटि कोटि सूर्यंकर तेज ये नील चक्र सुदर्शन चक्र सुदर्शन महाराज भितर समाहित तेणु ये एका गोटे थर सूर्य दर्शन सहित आम मैंने दर्शन करुचे चक्रराज अति दुर्लभ दर्शन अति अपूर्व दर्शन प्रणाम कर दिंतु ये जोग सब बेले आसे ना ये केबे केबे आसी था ये जोग ये संयोग ये मुहूर्त ये प्रभुंकर दया ये पवित्र समय बुधवार आज ये समय रे आम दर्शन करुचे अति अद्भुत दर्शन अति अद्भुत दर्शन महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र सुंदर भाव पतका लागिरे दर्शन करदे मन प्राण सब आनंद आनंदमय हो जाए या आनंदमय विभुंकर पतितानं पतितोहं तमेव पापहारक पावन पुरुष देहि निश्चला भक्ति मे विभो सुंदर भाव सीतांकर पतका बाना को नहीं चक्रराजंकर उपरे सेठी दंडायमान होई पतका लागी करिवे या आकाशरु अपूर्व दृश्यमान होती
महाप्रभुंकर ध्वजा दर्शन आम मान करुचे ये ध्वजा ध्वजारे किए रही ना ध्वजारे हनुमान अच्छा साक्षात महाप्रभु ये ध्वजा एपरी एक ध्वजा ये विजयर प्रतीक सूर्य नारायण दर्शन अस्त मान स्वयं विष्णु आपण अस्त होता समय सूर्य को दर्शन करेंगे अर्थ आपण स्वयं जनार्दन विष्णु दर्शन करुं ये होंगे प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य ये प्रत्यक्ष देवता सकल शक्तिर आधार वेद सारं परम ज्योति मूलभूत परात्परम वेदर सार होती सूर्य नारायण चक्र राजंकर दर्शन होती अति अद्भुत भाव रे सही स्थाने अमार परम गोप्य पुरी सही स्थान शिव आज कही तुमा स्थाने तेणु भगवान शंकर ये क्षेत्र महिमा गान करी थांती चातक पक्षीटे जपरी चाह रही देखुना आखि हटुना ही नील चक्र उपड़ आखि हटुना ही पता लागी दर्शन रु चाह रही ये हूँ भाव ये हूँ समर्पण कारण ये हूँ मंगलमय दृश्य ये पता लागी दर्शन करे आम जीवन रथरे आमर जो ध्वजा उड़ी थाए से ध्वजा सब बेले सतेज होकर रही था पता लागे दर्शन करवा आम मन मंदिर भितर जो ध्वजा अच्छी सतेज परिवर्तन करवा आन जदि शुद्ध रहिला सब ठीक रन जदि अशुद्ध मन जदि खराब अच्छी आपण को किसी करने भल लगे ना आपणकर देह खराब अच्छी किंतु मन जदि दृढ़ अच्छी मन ठीक अच्छी तेज आप सब करने समर्थ हो पारे किंतु मन जदि भल ना तबे किसी भल ना मन एव मनुष्याणम कारणम बंधमोक्षयो तेणु मन ही ये मनुष्यर बंधन एवं मुक्तिर कारण से भगवान कहते चंचलम ही मन कृष्ण तेणु मन को आम किपर ठीक रखा पता लागे दर्शन करने द्वारा आम मन भितर ये सुंदर भाव में नील आकाश नील चक्र जो पतित पावन बाना फरफर हो उड़ुंती पता लागे दर्शन करदे भक्तर मनरे परमानंद प्राप्ति होता है एवं ये जो परम स्थान पुरीर अपूर्व स्थान सिंधु तीरे बट मूले नीलाचल नाम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान से स्थाने नायिका जम दंड अधिकार आमी करी भल मंद विचार सभार इटी जम तो जमंकर अधिकार नाही ये क्षेत्र रे महाप्रभुंकर ये चक्र नील चक्र एवं ये नील चक्र को जदि आपण देखिबे ये सबु दिगरु समानता समान गुरुत्व समान महत्व समान मर्यादा समान सुजोग समान अधिकार सूचना प्रदान करिथांती नील चक्र एवं सही समवर्ती सही समान गुरुत्व समान महत्व जे देइथांती सही चक्रराजंकु दर्शन करुछंती भक्त मान एवं नील आकाश रे निर्मल चक्र ये बाना पतित पावन नेतर दर्शन ये प्रभुंक इच्छा न होले प्राप्त हो पारे ना जीव को गोटे लयरे भक्त चाह रही थाए प्रभुंकर दर्शन प्रत्येक पूजा उपचार भगवानंकर सृष्टि गंगा जल रे गंगा पूजा परी केवल आत्मा पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा किंतु महाप्रभु को मन मंदिर भितर जपरी आप पूजा करें यदि मन भितर आम ठीक से पूजा कर प्रभु ताकू ग्रहण कर संसार जिते द्रव्य सबू प्रभुंकर सबू किसी महाप्रभुंकर कारण सकल सृष्टि सी ही सर्जना करी सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सबू सी निर्माण किंतु मन भितर भक्ति रूप भक्ति जोग करी यदि आम प्रभुंकर पूजा करवा प्रभु से पूजा को आनंदर सहित स्वीकार करेणु मन मनस्काम मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका जे त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम महाप्रभुंकर नित्य साधना द्वारा यही अवस्था स्थिर भाव साधक हृदय दृढ़ हो रहे एवं जो अवस्था देह मन प्राण भाव अभिव्यक्तिर अतीत अवस्था जो
अवस्था भगवान कहउछंती मध्य गीतारे जे सेमाने केवल मते सेमानंकर मन समर्पण करिछंती ताहा नुह बरम सेमाने सेमानंकर देह बोधरु मुक्त होइ आत्मबोधरे प्रतिष्ठित जे माने सबु किछि त्याग करि मोठार शरण नेइछंती मु सेमानंकर प्राणप्रिय बंधु जगबंधु तेणु पतका लागि दर्शन यहा मध्य मन उपरे विशेष प्रभाव पड़िथाय आमे बेले बेले कहुचे जे मन भल नाही मन ठीक नाही प्रभुंकर पतका लागि दर्शन करंतु अनुभव करिवे मन आपणंकर किभळी परिवर्तन होउची मन शांत होउची मन स्थिर होई जाउची संसार रे जेते आहा भावर सहित समस्तंकर हात आपे आपे उपर उठी जाउची ए क्षेत्र रे जग बंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो चौदह भुवन बारता जानती चौदह भुवन बारता जानती चक्र रे छेदंती आरत नाही नाही तो महाप्रभु को यही कथा कहते प्रभु आपण को भरी जने सामंत ठाकुर ये संसार रे आउ केही नाहंती काहेकि ना एभली विश्व ब्रह्मांड रे ठाकुर जार प्रत्येक दिन नेत परिवर्तन ध्वजा बंधा नीति जहाँ कि आप देखिए जो बड़े ध्वजा बांधापी जाती से माने चुनरा सेवक माने से माने महाप्रभु को प्रणाम करते विमला जनईकर विमला प्रणाम कर कारण ये क्षेत्र में महाप्रभुंर बिना आज्ञा किसी हुए ना जिते सेवा रही सेवक रही प्रभुंर आज्ञा आनी प्रभुंठार आज्ञा दे जगदीश हे मणिमा आपण आज्ञा हो ये सेवा करने कारण मालिक होती सी तर सेवक मैंने आज्ञा ने सेवा करेंगे सुंदर बड़देवल अपूर्व भाव बाना फरफर हो उड़ू सतेजरी अग्नि प्रज्वलित होती अग्निंर शिखा आग्नि जपरी सबकि जापड़ी भस्म कर दिखती ये पतित पावन नेत पतित पावन बाना उड़ुवार दृश्य को भक्त जितेबले देखिदिए तार मध्य पाप गुड़ी को जाली था ये पतित पावन नेत समस्त पाप पतित पावन बाना दर्शन करवा मात्रे पतका लागि ध्वजाबंधा को जी जो मैंने दर्शन करती समस्त सकल पाप भस्म हो जाए नष्ट हो जाए से पाप आउ रही न थाए तेणु चक्रंकर महिमा ये नील चक्र रे ध्वजा बंधा हेबा ये दृश्य एक अपरिकल्पित अनिर्वचनीय आश्चर्यकर दृश्य ये समस्त चकित करदेला भली दृश्य परम आश्चर्य दृश्य ये एते उच्चर चढ़ी आज बाना बंधा जाउची यह प्रभुंकर निश्चित भाव कृपा आमे आम छात उपरको टे चढ़ा सीढ़ीर आवश्यक पड़ू सीढ़ी को आम आश्रा करूचे किंतु एते उच्चर चढ़ी प्रभुं प्रसाद रे बानाटी बांधिवा निश्चित प्रभु सहाय प्रभुंकर कृपा एमाने प्रभुंकर सेवक प्रभुंकु समर्पित होई महाप्रभुंकु सबु बेले भक्तटिए सेवकटिए प्रार्थना करिथाय मणिमा रखिले रखिब मारिले मारिब तब इच्छा अटे सार प्रभु आपण रखिले रखिबे आपण जहा कले करिबे मणिमा स आपणंकर इच्छा ही सार तेणु आपणंक बिना इच्छा रे तो किछि हुए नी हे महाप्रभु आपणंक इच्छा ही सार तेणु महाप्रभु को एतिकी प्रार्थना करि सेमान सेवा करि थांती पुनः महाप्रभुंकर ये जो ध्वजा बंधा दर्शन पतका लागि दर्शन यह मध्य संध्या समय रे होई थाए एवं ये संध्या समय रे आपण जदि पतका लागि दर्शन करुछंती ध्वजा बंधा दर्शन करुछंती आपण मन भीतरे मध्य आपण ये संध्या समय रे मध्य प्रभुंकर सतेज परि स्तुति करुछंती प्रभुंक दर्शन करुछंती कारण ये चक्रराजंकर दर्शन नीलचक्रंकु दर्शन करिवा जहा प्रभुंकु दर्शन करिवा सैया
आउ महाप्रभु को आपण जेतेबेले दर्शन पाइबेनी एई चक्रराजंकु दर्शन करि नीलचक्रंकु हाथ टेकी प्रभु को मध्य भक्त दर्शन करि जणै थाए तार दुख प्रभु प्रभुंक पाखरे मध्य पहुंची थाए भक्तर निवेदन भक्तर गुहारी चक्रराजंकु मध्य जणैले तेणु ये चक्रराज होचंति महाप्रभुंकर परम सेवक शीर्ष देश चढ़ीगले हरिबोल हुलहुलीनाद प्रकंपित बड़दाण्ड पतित पावन बाना उड़ाई पतित देखी देऊ चगड़ाई तेणु महाप्रभु ये पतित पावन बाना उड़ाऊ प्रभुंक प्रभुंक प्रासाद भक्त सिंहद्वार बड़दाण्ड भावर दाण्ड भावर क्षेत्र भावर सहित भक्ति युक्त करी प्रभु को हाथ को टेकी दे पताका लागी दर्शन करुछंती महाप्रभु कौन कहउछंती आन दर्शन न लोड़े नयन एका तुम्भ देखा बिना मणिमा आउ ये नेत्र आन दर्शन आउ किछि नाही आउ किछि मु देखिबा को चाहू नाही भक्त सही कथा जनाउछंती प्रभु को भक्त सही कथा कहुची मणिमा आउ किछि ये नेत्र आउ किछि चक्षु मोर देखिबा को चाहू नाही केवल आपणंकर दर्शन आपणंकर लीला आपणंकर दर्शन छड़ा आउ कौन ये देखिबी मोर भक्त मोर चक्षु मोर नेत्र आउ कौन देखिबो हे पुरुषोत्तम तुमादि देव पुरुष पुराण स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप हे अनंत रूप तुम्हें हूँ आदिदेव महाप्रभु आपणकर देउलर पतका लागी दर्शन आपण आपण जो प्रासाद आपणकर मंदिर आपणकर घर आपण जो देउलर विराजमान करिछंती आपणक देउलर पतका लागी दर्शन सौभाग्य पतका लागी देखिबार जो भाग्य प्रदान करिछंती महाप्रभु भक्त कहे प्रभु यही दृश्य को मु सब बेले देखु थाए तब रूपम नयन युगलं पश्यतु आउ ये नील चक्र रे मध्य प्रभु रही अछंती एवं पतित पावन नेत्र रही छंती कपिध्वज हनुमान अर्जुन को गीता प्रभु सुनाउ नथिले ये तो बहाना थिला प्रकृत रे गीता तो हनुमान सुनुथिले कपिध्वज हनुमान ध्वजारे रही अपूर्व पीत रंगर बाना नेत ध्वजा पतका लागि आपण माने दर्शन करुछंती भगवान होचंती अनंत हे अनंत रूप आपण होचंती आदि देव आपण होचंती अनादि पुरुष आपण होचंती ए विश्वर एकमात्र लय स्थान आपण होचंती ज्ञाता आपण होचंती ज्ञातव्य एवं आपण ही परम धाम अटंती आपण ही समग्र विश्व परिव्याप्त हो अवस्थान करिछंती आपण ही आपण आपण ही सर्व कारण कारण आपण को भक्त श्री रामचंद्र विग्रह रूप से नीलकंद्र स्मरण करे केते बेले महाप्रभु को कृष्णचंद्र रूप से प्रभु को आपण जो रूप से डाकिबे पतित पावन बाना पतित पावन नेत जो पतित पावन बाना संपर्क रे गाव ही कवि श्रुति संत पुराण केते पुराण गाउछंती मो प्रभुंकर बाना पतित पावन बाना आउ ये पतित पावन बाना नाम सुनी देई भक्त दौड़ी आसी धाई आसी थाए क्षेत्र को मो प्रभुर बाना उड़ुची पतित पावन नेत अपूर्व आकाश ये आकाश भगवान सूर्य नारायण अस्ताचल समय यही समय पतका लागे दर्शन करवा निश्चित भाव सका समय मध्यान समय बा दिवस संपन्न हो वर्तमान संध्या आड़े आम गति करुचे संध्या हो संध्या समय पतका लागे दृश्य को देखा द्वारा आम मस्तिष्क शांत होइथाय आम मन भितर अनेक कथा उंकी मारुथाय संशय रही थाए संदेह रही थाए मन भितर अनेक झड़ रही थाए किंतु ये पतका लागि दर्शन करिदेले पतका जेपरी फरफर हो उड़ुछंती आकाशरे यही दृश्य को जे भक्त देखि दिए यही पतका लागि दर्शन जे करि दियंती सेमानंक मन को प्रभु शांत करि देथांती जुगे जुगे महाप्रभु अवतार नहीं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
दुर्जन दुष्ट दलन पाई धर्म संस्थापना धर्म को संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापन पाई महाप्रभुंकर जन्म कर्म मध्य दिव्य बोली गीतार वर्णना अछि एवं से प्रभुंकर लीला मध्य दिव्य देखुना पतका लागी पूर्वरु प्रासाद किपरि दिशुथला शीर्ष देश एवं आज वर्तमान आप देखुछंती पतका लागी दर्शन ये एक नूतनत्वर आभा पतका लागी दर्शन करिबा द्वारा आमर जीवन रे एक नूतनत्व प्रारंभ होइथाय एक नूतन दिग आपण चिंता करूथिबे मु कोन करिवि कोन विचार करूथिबे पतका लागी जदि दर्शन करिवे प्रभु विचार रूप रे आपणको मन भितर को आसी जणै देबे जे एही मार्ग रे गले कार्यटी ठीक रे ठीक भाव रे हेबो एही मार्ग रे गले कार्य रे आमर बाधा उत्पन्न होबो नाही पतका लागी सरिला वर्तमान से ओल्हौछंती तलुकु धीरे धीरे ओल्हैबे जाग्रतर सहित ओल्हैबे कारण ये सेवा बड़ कठिन सेवा सेवा करना है तो घड़ी मत देखो प्रसाद खाना है तो स्वाद मत देखो सेवक टी सब समर्पण भाव रे सेवा करी थांती प्रभु को संपूर्ण रूप रे समर्पण करी दे थांती महाप्रभु मु आपणकर संपूर्ण रूप रे आ आपण होछंती मोर एवं सेवा अर्थ भक्ति समर्पण से समर्पण भाव नहीं पतका लागी संपन्न करी से तलुकु तलुकु ओल्हौछंती कारण महाप्रभुंकर सौंदर्य पतकारे सुंदर भाव रे ध्वजा लागी ध्वजा बंधा पतका लागी करी से गुमुट हनुमान कुमुद महावीरंकर पाखरे आसिकरी पहुँचिले एवं ये कुमुद हनुमान होछंती रक्षाकर्ता ये चतुर्दिगर हनुमान रहिछंती किंतु ये ऊपर रही छंती श्रीमंदिर ऊपर देखिवे चतुर्दिग को भल भाव प्रहरी रूप से स्थान रही छंती सुंदर भाव प्रणाम करी से तलुकु तलुकु ओल्हैबे सोपान सोपान नाही पावच्छ नाही ऊपर को जीवा पाई से मंदिर रे जो धार रही कोण रही हाथ पाद को रखी सी कौशल जना से शैली जना से शैली प्रभुंकर ये सेवा को सारी समर्पण हो निज तलू को ओल्ह आसुंच छार देह को मन करुछु सज छंद कपट तेजी गोविंद भज तेणु जहाँ आमर गोटे कहुई शास्त्र से छार देह को प्रभु को समर्पण कर दि जाए भाव सहित आपण मैने दर्शन कले पतका लागी दर्शन आनंदमय विभुंकर दर्शन नील चक्र उपर महाप्रभुंकर ध्वजाबंधार दर्शन एवं आसंतु संध्या समय रे घरे संज दियाजिवो एवं आत्मा को चेतना को मन को पवित्र करिवा पाई पुराण मानंक भीतर सार पुराण परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबो नित्य शास्त्र कहिले आमर भागवत जे प्रत्येक दिन श्रवण करती भागवत जे प्रत्येक दिन जो मानक घरे पाठ कर भागवत ग्रंथ जो मानक घरे थाए भागवत जो मानक घरे पढ़ा जाए से मानक घर घर नुह वैकुंठ कारण भागवत स्वयं जगन्नाथ आसंतु से ही भाव रे पंचम स्कंध द्वादश अध्याय श्रीमद भागवत महापुराण श्रवण करवा श्रीमती नमिता गुराल मां